गोंडा बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार रात बिंदौरा के निकट सरिया लदी खड़ी डीसीएम के पीछे से एक निजी बस घुस गई। 3 यात्रियों की इस दौरान इस घटना में मौत हो गई है। वहीं इस भीषण हादसे में बस के परखच्चे उड़ गए और सरिया भी बसों की खिड़की तोड़कर यात्रियों के सिर में घुस गए हैं। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बस में फंसे शवों और घायलों को निकाला गया है। पुलिस के अनुसार बाराबंकी बहराइच हाईवे पर मसूली थाना क्षेत्र में बिंदौरी गांव के पास खड़ा ट्रक पंचर होने के बाद से सड़क के किनारे खड़ा था। इसी दौरान बाराबंकी की ओर से सवारी तेज गोंडा जा रही करनेलगंज बस ट्रक में जा घुसी। वहीं डीसीएम से मेलदी सरिया बस को चीरती हुई अंदर घुस गई। ये शाम की घटना है। ये लखनऊ से गोंडा जाने वाली बस जो शुक्ला ट्रेडर्स के नाम से चलती है, उसमें आगे जा रही सरिया लदी हुई ट्रक में घुस जाने से 7 लोग उसमें घायल हुए थे। 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी। 5 लोग जो घायल हुए हैं उसमें से 4 लोग यहाँ के हैं, बाराबंकी के, जिसमें एक मरका मऊ का है, 3 रामनगर के हैं और कुछ लोग कर्नलगंज गोंडा के रहने वाले हैं। 6 लोगों का पता चल गया है नाम पता और 1 की अभी जानकारी की जा रही है। शेष ट्रीटमेंट चल रहा है और 1 व्यक्ति को लखनऊ रेफर किया गया है, शेष उपचार चल रहा है अस्पताल में। जनपद बाराबंकी में बिंदौरा ब्लॉक रामनगर के पास में एक हादसा हुआ जिसमें एक बस प्राइवेट बस थी जो लखनऊ से गोंडा जा रही थी, वो एक खड़े पिकअप में टकरा गई जिसमें कि सरिया लदी हुई थी, जिससे कि 5 लोग गंभीर रूप से घायल होकर के यहाँ लाए गए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। इनका इलाज प्राथमिक उपचार किया गया और उसके बाद इनको सभी 5 लोगों को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र कर दिया गया ट्रॉमा सेंटर के लिए। उनमें से 2 ब्रॉडेड भी लाए गए जिनको पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया गया और उनका पोस्टमार्टम करने की प्रक्रिया की जा रही है। सर, जो लोग रेफर हैं